चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के रेवाड़ी में बने सेफ हाउस की, जो इन दिनों अनसेफ है। प्रेमी जोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए प्रोटेक्शन हाउस को प्रशासनिक अधिकारियों के कारण ग्रहण लगा हुआ है। हालात ये हैं कि यहाँ पर अगर किसी को एक रात भी गुजारनी पड़ जाए तो फिर उसके लिए वो रात किसी काले पानी की सजा से कम नहीं रहती। देखिए रिपोर्ट। चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हैं, बिजली की तारें झूल रही हैं, ना दिन में बैठने की सुविधा है और ना ही रात को सोने की कोई व्यवस्था। अगर किसी को प्यास लग जाए तो फिर पानी उसे दूर दूर तक नसीब ना हो। शौचालयों की हालत तो ऐसी है कि इस तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता। यहाँ रहना तो दूर, कोई ढंग से दो मिनट के लिए खड़ा तक नहीं हो सकता। सुविधाओं के नाम पर जो ये मजाक हो रहा है, ये प्रशासन की बंद हो रखी आंख की हकीकत को ब्याह कर रहा है। यहाँ पे कुछ सुविधा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हर प्रकार की दिक्कत है। रहने के लिए नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं टॉयलेट की व्यवस्था है, नहीं सोने की व्यवस्था है, नहीं बैठने की, नहीं लाइट की व्यवस्था है, नहीं फैन की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं। साफ सफाई? साफ सफाई बिल्कुल नहीं। चारों तरफ देखे तो बोतल ही बोतल पड़ी है, पॉलिथीन पड़ी है, हर प्रकार ये तस्वीरें रेवाड़ी के प्रोटेक्शन हाउस की है, जो जंगल में बना एक खंडर से अलावा अब और कुछ ही नहीं लगता। यहाँ उन प्रेमी जोड़ों को सुरक्षित रखा जाता है जो बालिग होने के बाद घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करने के बाद पुलिस से अपनी सुरक्षा मांगते हैं। और सुरक्षा के नाम पर बना ये सेफ हाउस अब खुद ही अनसेफ हो रखा है। देखिए कि हमने काफी जोड़ों को यहाँ प्रोटेक्शन हाउस के लिए हमने मांग करी और यहाँ भेजे भी गए। यहाँ जिनको भी हमने भेजा उन्होंने सबने यही कंप्लेंट की कि यहाँ पे सुविधा के नाम पर बिल्कुल ही अंधेरगर्दी मची हुई है। कोई भी सुविधा नहीं है, ना सफाई के मामले में सुविधा है, ना पंखे वगैरह की कोई सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, ना सोने की सुविधा है, ना पानी पीने तक की सुविधा। गंदगी का अंबार है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है काफी समय से, कोई सफाई वाला है ही नहीं, ना सुनने वाला है। सेफ हाउस की खस्ताहाल ये तस्वीरें प्रशासन पर कई सवाल उठा रही हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रेमी जोड़ों को जिस तरह की मुसीबतों का अब सामना करना पड़ रहा है, उसे लेकर वो बार बार प्रशासन को ही कोस रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पर सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी साफ बता रहे हैं कि ये हाल आज का नहीं बल्कि कई सालों से ऐसा ही है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। प्रोटेक्शन हाउस में जो खड़े हम, तो जो बच्चे आते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ पर देखा है कि साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकते, ठीक है, और ना पीने का पानी वगैरह है, तो इसको समाधान किया जाए ताकि बच्चे अपने ठीक ठाक चलेंगे। वैसे यहाँ हाल बेहाल हो रखे हैं। अगर किसी को मजबूरी से यहाँ पर रात बितानी पड़ जाए तो फिर उसके लिए वो रात किसी काले पानी की सजा से कम नहीं होती। यूं भी नहीं है कि सेफ हाउस के लिए रखरखाव के लिए पैसा भी ना आता हो, यहाँ पैसा भी आता है और सरकार की तरफ से पूरा फंड भी, लेकिन अधिकारी स्तर पर हो रहा घोटाला इस सेफ हाउस को अनसेफ घोषित कर चुका है। वहीं यहाँ पर काम करने वाले अधिकारियों का कहना है कि सेफ हाउस की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग या नगर निगम की है। सुविधा हमारा रिकॉर्ड रूम का है। अच्छा। ना कि पूरा ऑफिस का। तो ये जो गंदगी फैली हुई है, ये यहाँ पर गंदगी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कमेटी को फोन करें या फिर आप इनके पास फोर्थ क्लास है उनसे सफाई कराएं। तो जो गंदगी फैली है उसको देख करके तो ये लगता है कि कई महीनों से यहाँ सफाई हुई ही नहीं है, कई महीनों से यहाँ सफाई हुई नहीं है, ये दिखाई दे रहा है इस तरह का। यहाँ हमें नहीं पता, हम तो देखते ही नहीं कि सेफ हाउस की जिम्मेदारी किसकी है। हम नहीं देखते सेफ हाउस को। कौन देखता है? सेफ हाउस पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा, सफाई की व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। बहरहाल ये तस्वीरें प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रेमी जोड़ों के लिए बने जिस सेफ हाउस को खुद की सुरक्षा की दरकरार है, उसे प्रशासन कैसे सुरक्षित रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।